न जाने कितने साल, कितने महीने, कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड से हम वही एक शेड्यूल वाली जिंदगी जी रहे हैं। पर क्या तुमने कभी अपने अंदर झांककर देखा है? क्या तुमने कभी खुद का दर्पण किया है? अगर नहीं तो पूछो अपने आप से कि तुम कौन हो। क्या तुम वो हो जो अपनी जिंदगी के एक फिक्स शेड्यूल में फंस कर रह गया है, जो हर रात ये सोचकर सोता है कि आज जिंदगी वैसे ही निकल गई जैसे हर रोज निकलती है? क्या तुम वो हो जो दिन भर फोन पर सैकड़ों चीजें देखता रहता है और अपना पूरा दिन इसी में गवा देता है? क्या तुम वो हो जो बड़े बड़े सपने देखता है, पड़ोसी और दोस्तों की सफलता और दौलत से जलता है, उनके जैसा नाम शोहरत कमाना चाहता है पर मेहनत नहीं करना चाहता, जो या तो अपनी किस्मत पर रोता रहता है या किस्मत को कोसता रहता है? किस्मत किस्मत एक ऐसा शब्द है जिसने तुम्हें पूरी तरह से मूर्ख बना रखा है, जिसने तुम्हें पूरी तरह से जकड़ लिया है, जिसने तुम्हारे हर सपनों को तोड़ा है। जितना मुश्किलें तुम्हें नहीं हराती उससे ज्यादा किस्मत मार देती है। किस्मत एक ऐसा शब्द है जो किसी इंसान के दिमाग में बैठ जाए तो वह मंजिल पर चलने से पहले ही अपना सर झुका देता है। तुम जितना कर सकते हो, जितना पा सकते हो, वो इसी लाइफ में पा सकते हो। मैं दुनिया में अलग हूँ, मुझे कुछ बड़ा पाना है। हाथों में किस्मत की रेखा हो या ना हो, मुझे दुनिया में अपनी काबिलियत से एक इतिहास बनाना है। और अगर अब भी तुम किस्मत के भरोसे बैठे हो और सोच रहे हो कि एक समय आएगा जब किस्मत से सब कुछ मिल जाएगा या कोई व्यक्ति आएगा जो सब कुछ तुम्हारी जिंदगी में बदल देगा, तो तुम अब भी किस्मत का नकाब पहने हुए हो। ध्यान से सुनो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई ऐसा समय नहीं आने वाला जब बिना मेहनत के किस्मत से सब कुछ मिल जाए। और तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो इतना समय हो गया तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा समय आया जब तुम्हें कुछ मिला हो बिना मेहनत के? देखो और सोचो, किस्मत को बदलने के तीन तरीके हैं। पहला, या तो जिंदगी जैसी चल रही है, जैसी कट रही है, अच्छी बुरी जैसे भी, बस उसे चलने दो और एक दिन जब तुम मर जाओ तो ऊपर वाले के सामने गिड़गिड़ाना कि सर प्लीज अगले जन्म मेरे हाथ में किस्मत वाली रेखा ज़्यादा लंबी बना देना, मुझे अच्छे घर में पैदा करना जिससे मुझे बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल जाए। दूसरा, किस्मत पर नहीं मेहनत पर भरोसा रखो, क्योंकि मेहनत ही सफलता की सीधी सीढ़ी है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी शॉर्टकट तुम्हें सफलता तक नहीं पहुंचाएगा। शॉर्टकट तुम्हें बर्बादी की कगार पर तो खड़ा कर सकता है परंतु तुम्हारे लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए सूरज की तरह जलना सीखो, चमक खुद तुम्हारे पास आएगी। मेहनत का पेड़ लगाओ, सफलता के फल खुद मिलेंगे। तीसरा तरीका, किस्मत को बदलने का तीसरा तरीका है कि भूल जाओ कि तुम्हारी जिंदगी में किस्मत नाम का कोई शब्द भी है। भूल जाओ तुमने किस्मत नाम का शब्द कभी सुना भी है या इस दुनिया में कोई ऐसा वर्ड भी है। ये किस्मत नाम का वर्ड जिसने भी बनाया होगा ना दुनिया में, पक्का वह बहुत बड़ा आदमी रहा होगा जो चाहता होगा मेरे से आगे बढ़ने से पहले ही तुम्हारे मन में किस्मत नाम का बीज बो दिया जाए, ताकि तुम्हारा मेहनत नाम का पेड़ फल देने से पहले ही किस्मत नाम की जमीन में दब जाए। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में तुम्हारे लेवल को किस्मत के नाम से जाना जाए, तुम्हारी मेहनत को किस्मत के नाम से जाना जाए, तो उसके लिए पहले तुम्हें एप्लीकेबल होना होगा। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और किस्मत लिफ्ट की तरह। किसी टाइम लिफ्ट तो बंद हो सकती है पर सीढ़ियाँ नहीं, और सीढ़ियाँ हमें हमेशा ऊंचाई पर ले जाती है। देखो, जो मैं आज करता हूँ, जो मेरे साथ होता है, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। आज जितना मैं अपने आप को घिसूंगा, कल उतना ही पारस की तरह चमकूंगा। भूल जाओ सोशल मीडिया नाम की कोई चीज भी है, भूल जाओ नींद नाम की कोई चीज भी होती है। जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो लोग तुमसे मिलने इसलिए नहीं आएंगे कि तुमने कितनी मेहनत की, तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या सहा। तुम जहाँ खड़े होंगे, जिस लेवल पर खड़े होंगे ना, लोगों को झक मार के तुम्हें इज्जत देनी पड़ेगी, उन्हें झक मार के तुम्हें सलाम करना पड़ेगा। तुम्हारी ऊंचाइयों को, तुम्हारे सपनों को, तुम्हारी बुलंदियों को, तुम्हारे लेवल को, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ पर केवल लक हो, क्योंकि हर जगह मेहनत होती है। किस्मत को नहीं अपनी आदतों को बदलिए, हाथों की लकीरों को नहीं अपनी मेहनत को देखिए, खुद पर विश्वास रखिए। आज जिस सोशल मीडिया की हेडलाइन में तुम दूसरों की मेहनत की सफलता की कहानी पढ़ रहे हो, कल वहाँ तुम्हारी कहानी होगी।